नोएडा की सीआरटी टीम और थाना सेक्टर 126 पुलिस ने संयुक्त रूप से अंतर्राज्यीय प्रतिबंधित राज्यों में नकली तंबाकू की तस्करी करने वाले 6 शातिर आरोपी तस्करों को जेपी कट पुश्ता रोड से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के पास से 138 बोरों में करीब 10,000 किलो नकली तंबाकू बरामद किए गए। ये लोग आलू की बोरियों की आड़ लेकर नकली तंबाकू की सप्लाई किया करते थे। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर सीआरटी टीम स्वाड 2 टीम की थाना सेक्टर 126 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। नकली तंबाकू के असली रूप में तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। जिस ट्रक को पकड़ा गया उसमें 16 बोरी आलू भी मिली है, जिससे इन लोगों ने तंबाकू की बोरियों को ढका हुआ था। पुलिस ने एक ट्रक और एक मारुति एक्सएल 6 के साथ 61,560 रुपए बरामद किए। कितने लोग इसमें गिरफ्तार? नोएडा की सीआरटी टीम और थाना 126 की पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक ट्रक लदा हुआ मिला, जिसमें 138 बोरी नकली तंबाकू था। ये नकली तंबाकू एक हंस नाम की कंपनी के फर्जी पैकेजिंग पे बनाया गया था। ये तंबाकू भी फर्जी है। यह 16 बोरी जिसकी में करीब करीब 1200-1300 किलो आलू बाहर की तरफ उसके पैकेट्स रखे गए थे, ताकि कोई अगर चेक करे तो उसको बाहर आलू दिखे, और अंदर की तरफ ट्रक में अंदर की तरफ 138 बोरी तंबाकू था। इस तंबाकू का वजन करीब करीब 9,500-10,000 किलो है, और इसकी कीमत जो है वो करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें 6 लोग बरामद भी हुए हैं और एक ट्रक बरामद हुआ है, जिसमें ये लोग तंबाकू को दिल्ली से कर्नाटका ट्रांसफर करते थे, और इसके साथ साथ वो गाड़ी जो इनको कर्नाटका तक रेकी कराती थी वो गाड़ी भी बरामद हुई है। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम शिवम जायसवाल है, जिसका ये सामान भी था और ये सामान वहाँ प्रोवाइड कराता था। इसमें कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये लोग दिल्ली में एक जगह है वजीराबाद में इनकी फैक्ट्री थी, तो ये लोग असली केमिकल्स डालने की जगह जो सस्ता चूना होता है उस चूने को का उपयोग करते थे, और उसके बाद चूने का उपयोग करके नकली तंबाकू बनाते थे, उसको सेल करते थे। हम लोगों ने इसका भी परीक्षण के लिए हम लोगों ने भेजा हुआ है, और इसमें हम लोगों ने जीएसटी विभाग को भी सूचना दी है कई बार, क्योंकि ईवे बिल भी इनके पास हमें कोई बरामद नहीं हुआ, तो ये लोग टैक्स की चोरी भी करते थे, तो हम लोगों ने जीएसटी विभाग को सूचना भी इसकी दी है और इसके परीक्षण के लिए इसकी रिपोर्ट भी गई हुई है। ये कब से काम कर रहे थे? किसी पर्टिकुलर इंसान को देते थे काम? ये लोग कर्नाटका में, क्योंकि इसमें 3 लोग तो कर्नाटका के ही हैं, तो ये लोग कर्नाटका तक ले जाते थे, उसके बाद इसको इलीगली ब्लैक में वहां से अप्लाई करते थे। इसकी क्या कीमत है? करीब करीब 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत है।